भारत देश में आज भी लोग आयुर्वेदिक औषधि पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इससे तमाम ऐसे रोग दूर हो जाते हैं जो बाकी किसी भी चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं होते। हालांकि आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के जानकार काफ़ी कम हैं, इसलिए लोग इसका फ़ायदा ठीक से उठा नहीं पाते। लेकिन फिर भी जिन लोगों को आयुर्वेदिक औषधि की जानकारी है, वह इससे एक से एक बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं। ऐसी ही एक औषधि है एलोवेरा, जिसको बहुत से कम लोग ही जानते हैं। एलोवेरा वैसे तो सभी जगह पर आसानी से मिल जाता है, या अक्सर पार्कों व घरों में पाया जाता है। आज हम आपको एलोवेरा के तमाम ऐसे औषधीय गुण बताएंगे जिससे आप कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इन रोगों में है रामबाण। आयुर्वेद के अनुसार एलोवेरा का पौधा हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये हमें शुगर, चेहरे के दाग धब्बे, मुंह के छाले, कब्ज, बदहजमी जैसी कई बीमारियों में इस्तेमाल से आप छुटकारा पा सकते हैं। वहीं जिला अस्पताल बाराबंकी के चिकित्सक डॉक्टर अमित वर्मा MD मेडिसिन ने बताया कि वैसे तो एलोवेरा का इस्तेमाल बहुत सारे रोगों में अलग अलग रूपों में किया जाता है। एलोवेरा में जो पत्तियां होती हैं उसमें लिक्विड निकलता है, उसे एलोवेरा जेल बोला जाता है। लोग इसको अलग अलग तरह से यूज करते हैं, कोई इसका जूस निकाल कर इस्तेमाल करता है, कोई कच्चा खाता है। इसका जो टेस्ट होता है काफ़ी तीखा होता है, इसलिए इसको पानी के साथ सेवन करना चाहिए। वहीं जिसकी पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती है या हाजमा खराब रहता है, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ पाइनस क्रिया में बेंटासेंस एक्टिवेट करता है, जिससे शुगर के मरीजों को बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे चेहरे पर दाने व छाले निकलते रहते हैं, उन पर इसका लेप भी लगा सकते हैं और इसके जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होने से अगर कहीं पर जख्म भी है तो काफ़ी हद तक ठीक करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल व विटामिन सी बहुत ज़्यादा इसके अंदर होते हैं। इसको हेल्थ टॉनिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, पर इसका इस्तेमाल लंबे समय तक ना करें। वैसे तो एलोवेरा में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं और इसके फायदे भी अनेक हैं। डॉक्टर अमित वर्मा है, मैं बाराबंकी में जिला चिकित्सालय में आयुर्वेदिक चिकित्सक के पद पर कार्यरत हूँ। एलोवेरा का जहाँ तक प्रश्न किया आपने, तो एलोवेरा का इस्तेमाल बहुत रूपों में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। एलोवेरा की जो पत्तियाँ बाहर दिखाई देती हैं वो मांसल पत्तियाँ होती हैं। इसके अंदर का जो लेटेक्स निकलता है, पत्तियों को जो छीलते हैं इसके अंदर एक जेल जैसा निकलता है, उसको एलोवेरा जेल बोला जाता है या एलोवेरा लेटेक्स बोला जाता है। काफ़ी लोग उसको अलग अलग रूप में, कोई इसको जूस बना के इस्तेमाल करता है, कोई ऐसे कच्चा खाता है पीसेस के फॉर्म में। बेहतर इसका इस्तेमाल है कि इसको थोड़ा सा तीखापन जैसा होता है तो जूस को थोड़ा सा लिक्विफाइड करके या पानी मिला के इस्तेमाल करना चाहिए। पाचन से संबंधित जहाँ तक जिनको परेशानी रहती है, जिसका हाजमा खराब रहता है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ पैंक्रियाज में बीटा सेल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे ज़्यादा इंसुलिन फॉर्मेशन होता है, इसलिए शुगर के मरीजों के लिए बहुत लाभकारी है। साथ ही साथ स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको स्किन की दाने निकलते रहते हैं, छाले रैशेज निकलते रहते हैं, उसमें इसका लेप भी लगा सकते हैं, लोकल एरिया में अप्लाई कर सकते हैं इसका। साथ ही साथ इसका जूस का इस्तेमाल करने से शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन होने की वजह से, और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होने से कोई भी अगर जख्म वगैरह हो रखा है वो हीलिंग में उसमें काफ़ी हद तक मदद करता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे मिनरल और न्यूट्रिशन होता है, विटामिन मिनरल्स बहुत सारा होता है, विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। तो ऐसा इसको हेल्थ टॉनिक की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही लंबे समय तक इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? ये क्या करता है कि लंबे समय तक जूस पीने से ये एड्रेनलिन हार्मोन को